Uh, very good evening, everyone. My name is pavan Sharma, and friends, I welcome you all to my channel. And guys, in this video, we would be discussing about the intraday stocks for sixteenth of July, and the day would be Thursday. So let's talk about them. And guys, uh, while you move, don't skip the video. Go through the entire uh, slides and the information which we are trying to share with you, because it's uh, there is a saying that half knowledge is always dangerous. So if you miss it, so you might miss that information also. उट दैशबोर्ड मार्केट डैशबोर्ड वो सेक्शन है पे हम बात करते हैं कि आज जो है हमारे ओवरऑल मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया और क्या क्या रीजन था अगर आज का परफॉर्मेंस देखें तो इनफी जो था वो टॉप किया है बिकॉज आज इनफी का रिजल्ट था और उसने स्ट्रीट एस्टिमेशन को बीच किया है और अगर आप बात करेंगे रिलायंस की तो रिलायंस ने आज माइनस फोर परसेंट ड्रॉप किया है जबकि एक टाइम पे वो प्लस थ्री परसेंट पॉजिटिव था तो अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो ऊपर के जो पहली लाइन देखेंगे इनफी एच सी एल टेक टीसी महिंद्रा विच मींस आज हमारा आईटी सेक्टर जो था वो बुलिश रहा था और जो नीचे का सेक्टर है जिसमें से मिक्स है रिलायंस है भारतीय एयरटेल है ओ एनजीसी इंडस इंड बैंक एस आई, वो मिक्स रहा है तो आज का जो आपको याद होना चाहिए मैं आपसे एक बात करता था हमेशा कि मार्केट के पास में 15 जुलाई तक एक बहाना है राइज करने का और फिफ्टींथ के बाद में जबकि एजीएम में आपसे कहा भी था कि एजीएम का जैसी ही एजीएम खत्म होता है आप उसको सेल कर सकते हैं वो उससे पहले ही सेलिंग होना शुरू हो गया था ये एक मेथड होता है जो एफ होते हैं डी होते हैं एच होते हैं वो क्या करते हैं वो जानबूझ के इवेंट डे से पहले एजीएम शुरू होने से पहले वो जानबूझ के स्टॉक्स को ऊपर लेके जाते हैं और उनका जो मोटिव होता है वो टॉप से सेल करना होता है उनको पता होता है कि रिटेल इन्वेस्टर वहीं पे एंटर करेगा जब मार्केट ऑलरेडी पीक पे होगा और जब मार्केट पीक पे होता है तो वो वहां से सेल करेंगे तो एक बहुत तेजी फॉल आएगा तो अगर आज देखें तो फॉल 200 पॉइंट्स का था वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है वो अलग बात है कि सिक्स पे क्लोज हुआ है बिकॉज हंड्रेड पॉइंट्स पहले ही पॉजिटिव जो है ओपनिंग थी हमारी और सेंसेक्स की बात करें 19 जो है पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है यूएसडी एस डी आई एन आर थोड़ा सा डेप्रीशियेट हुआ है आई मीनिशियट I mean हुआ है रीजन सेम रिलायंस का जो था एजीएम अनाउंसमेंट आज एफ ने नेट सेल ने ने किया है 221 का डी ने नेट सेल ने किया है 889 करोड़ का इन टोटल बात करें अगर इस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको वीडियो के थ्रू यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रोवाइड करते हैं उसका आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहे बहुत सारे वीडियोज हैं आने वाले बहुत सारे वीडियो हैं उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और जो हमारा करंट वीडियो है अगर आपको ये पसंद आता है तो नीचे जाके इसके लाइक बटन पर क्लिक कीजिएगा सो दैट यू कैन टेल अस दैट यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट ऑल्सो बात करेंगे सेक्टर एनालिसिस की तो उसके लिए मैं लेके आता हूं ये है इसके लिए वेट कीजिए ये हमारे पास में देखिए आईटी ने आज 5.24 परसेंट जो है राइज लिया है और आज का जो मेजर पोलर है वो इनफी है और मेजर ड्रैगर रिलायंस है इसी वजह से जो है आज मार्केट इतना गिरा है तो आईटी ने आज 5.24 पॉइंट टू फोर परसेंट है बात करें एफ की तो जीरो बाकी तो सारे ऐसे ज्यादा नहीं था नीचे आते हैं तो रियलिटी एनर्जी मीडिया पीएसयू बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज सारे के सारे रेड में हैं यह था हमारा आज का और वीक टिल डेट की बात करें तो वीक टिल डेट में आई ने टॉप जो है लेवल को अचीव कर लिया है अब वो टॉप पे है अगर हम बात करेंगे निफ्टी फार्मा की सेकंड नंबर पे है बेच इज़ 1.38 पॉइंट जो है 1.04 है जो ये हमारा फार्मा की बात कर रहे हैं फार्मा में क्या है ना हर रोज कुछ ना कुछ नई अपडेशंस आ रही हैं कि हर कंपनी कह रही है कि हमने जो है वायरस बना लिया है सॉरी वैक्सीन बना लिया है हमने जो करंट uh, सिचुएशन से लड़ने के लिए वैक्सीन काम करेगी हमारे जो है वैक्सीन ट्रायल रन पे चली गई है तो ये सब चीज़ें जो हैं हर रोज़ आ रहा है इसलिए फार्मा सेक्टर को काफ़ी बूस्ट मिल रहा है सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स इन कमिंग डेज और गाइज एक छोटा सा गोल्डन रूल मेरा कि लूज मत कीजिए अगर आप लॉस नहीं करेंगे तो प्रॉफिट अपने आप चल के आएगा आपको याद होगा मैं पेशेंस की बात करता था अगर आप पेशेंस की बात करते हैं तो पेशेंस में मैं आपसे कहता था कि वेट कीजिए रिलायंस के लिए वेट कीजिए जैसी हो जाएगा फिर हम बात करेंगे जैसी हो जाएगा फिर हम बात करेंगे ये जो है वेट आपको बड़े जो है मूव्स को इनवाइट करता है अगर आप हर रोज एंट्री एग्जिट करते रहेंगे तो छोटे मूव्स में हमेशा निकलते रहेंगे बिकॉज दैट शोज दैट यू आर नॉट पेशेंस यू आर नॉट फोकस्ड अगर आपके अंदर पेशेंस है और फोकस है तो आप आराम से बड़े मूव्स को कैप्चर कर पाएंगे आज एस ने हमारा पहला टारगेट हिट किया है ऊपर की तरफ भारतीय अमर राजा बैटरी फर्स्ट टारगेट सेल की तरफ जाके हिट किया है बात करते हैं चार्ट एनालिसिस के बारे में हमारा पहला चार्ट वैसे अगर आप चाहें तो ये जो कैडिला का चार्ट है वो एनालिसिस आप देखेंगे एक बॉटम दूसरा बॉटम और तीसरा बॉटम ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर है ये आप हेड एंड शोल्डर भी कहते हैं ये नेक लाइन हैड एंड शोल्डर की अगर ये नेक लाइन हैड एंड शोल्डर की यहां से लेके यहां तक आती है विच मीनस वो ऑलमोस्ट अपने नेक लाइन के ऊपर आगे ब्रेक कर चुका है और अब ये फॉल आ सकता है कैडिला के अंदर और आप इसको ट्रिपल जो है बॉटम भी कह सकते हैं तो वट एवर यू फील लाइक यू कैन डू से बट ये भी एक चार्ट है जो आप इसका बॉटम लाइन के ऊपर अगर ये क्लोज करता है मतलब नीचे आके अपना ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं मेरा पहला पिक है आज के लिए बायोकॉन बायोकॉन में अगर आप जाएंगे बायो बायोकॉन को बायोकॉन को मैंने पिक क्यों किया है ये आप देख रहे हैं जो कैंडल हमारा पैटर्न बना है दिस कैंडल पैटर्न इसी रेंज में कैंडल को अभी तक ट्रेड जो है तीन दिन से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है ऊपर जा रहा नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा नीचे आ रहा है बट फाइनली आफ्टर वन राइज आज फार्मा सेक्टर वैसे भी राइज पे था फिर भी जो है हमें देखने को मिला है एक बड़ा फॉल विच इज इन दिस वन तो अगर ये अपने लो को ब्रेक करेगा अगर बायोकॉन अपने लो को ब्रेक करता है तो वो एक सेलिंग ऑपरचुनिटी जनरेट करेगा और ये जो पैटर्न है ये पैटर्न वैसे भी एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है या इसको आप बुलिश रिवर्सल कहेंगे मतलब बुलिश रिवर्सल की एक पैटर्न जो बुलिश था अब रिवर्स होने वाला है तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न ये रिप्रेजेंट करेगा अगला जो मेरा पिक है वो रहेगा बीपीसीएल का बीपीसीएल में अगर देखना चाहें बीपीसीएल में जो है आपको नोटिस करें सॉरी देखिएगा ये जो लाइन देख रहे हैं एक दो यहां पे इधर विच मीन्स बीपीसीएल अपने मल्टीपल सपोर्ट पे आके होल्ड कर चुका है इसका मतलब ये कि अगर बीपीसीएल अपने लोगो ब्रेक करेगा तो एक बड़ा फॉल आ सकता है कम से कम यहां तक जाएगा थ्री सिक्सटी से नीचे या थ्री सिक्स का जो टारगेट रहेगा अगर वो ब्रेक करता है अपने करंट लेवल को अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो बाउंस बैक कर सकता है बिकॉज सपोर्ट uh, पे जब स्टॉक होता है और बाउंस बैक करेगा तो वहां भी एक अच्छा सा मोवमेंट हमें देखने को मिलता है अगला पिक है मेरा सन टीवी तो लेट्स चेक वॉट सन टीवी से ओके एंड सन टीवी नेटवर्क पे जाएंगे तो ये मेरा सन टीवी है सन टीवी पे इस पैटर्न को देख रहे हैं आप इसको कहेंगे ट्रिपल टॉप पैटर्न और इस लाइन को अगर आप ड्रॉ करते हैं ऐसे तो लगभग ये उस लाइन को ब्रेक कर चुकी है जिसको आप ये देख रहे हैं लास्ट कैंडल तो मतलब ये है कि अगर ये लास्ट कैंडल आपने लो को ब्रेक करेगी तो हमारा टारगेट है आराम से यहाँ तक अचीव हो सकता है या फिर मे भी है तो दैट से लेके ये हमारा है सम अराउंड थ्री सिक्सटी के अराउंड या फिर थ्री फिफ्टी तक में नीचे आ सकता है अगर जो है सन टीवी ब्रेक करता है अपने करंट लेवल को और अग, अगला है मेरा एमजीएल एम जी एल की बात करें महानगर गैस लिमिटेड एमजीएल में अगर मैं आपको दिखाता हूं एम में अगर आपको नोटिस किया होगा बायोकॉन का पैटर्न और ये वाला पैटर्न विच मीन्स दोनों में बुलिश रिवर्सल पैटर्न शो हो रहा है इसीलिए मैंने एम को पिक किया है और बीपी सॉरी बायोकॉन को पिक किया है तो दोनों में अपने लो के नीचे आप उसको सेल कर सकते हैं चलिए चार्ट देख लेते हैं एक बार निफ्टी का और बैंक निफ्टी का भी ओके ये हमारा चार्ट है निफ्टी का निफ्टी ने तो ऑलमोस्ट आज जो है अपना फ्लैट हो गया अब देखिए निफ्टी के पास में एक लगातार हम बात कर रहे थे कि एक जो रीजन है निफ्टी के पास में वो था रिलायंस कि हर रोज जो रिलायंस पुल कर रहा था उसको पुल करने के लिए अब रिलायंस के पास में लास्ट जो ऑप्शन बचा है वो है जो गूगल का इन्वेस्टमेंट लेकिन शायद उसको भी मार्केट कंज्यूम कर चुका है अब उसमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट होगा नहीं हो सकता है एक बार इतने बड़े फॉल के बाद एक बार पुश हो आपको थोड़ा सा राइज देखने को मिले लेकिन अब मार्केट का हंड्रेड परसेंट फोकस जो है वो हो जाएगा कॉपोरेट अर्निंग्स पे प्लस हमारे कोरोना वायरस के केसेस के ऊपर के इसीलिए निफ्टी को अब जो है सेम लेवल जो हम बात कर रहे थे कि अगर फिर से निफ्टी अगर जो है पहला टारगेट हमारा सिक्स हंड्रेड रहेगा आज सिक्स वन एट पर है तो विच मीन्स ये टारगेट हमारा सेम रहेगा इसके बाद हमारे पास में जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है वो है समवेयर क्लोज टू हेयर टेन फोर का उसके बाद हमारे पास टारगेट आएगा समवेयर अराउंड हेयर टेन टू और 10,000 का तो अगर निफ्टी गिरता है तो ऐसे गिरेगा ऊपर अब निफ्टी के पास हॉडल है टेन सेवन का तो दोनों तरफ निफ्टी जो भी मूवमेंट करेगा अकॉर्डिंगली आप उसको कैप्चर कर सकते हैं आ, 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 बैंक निफ्टी को देखते हैं बैंक निफ्टी अपने उस रो के अंदर घुस चुका है जहां पे मैंने कहा था कि अगर ये इसके अंदर आ जाएगा तो तेज का नीचे करेगा तो कल और आज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सिर्फ 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है तो मेरा जो है कल का लेवल वो एक्टिव है और अगर वो नीचे आएगा तो तेज़ी के साथ वो जा सकता है अराउंड ट्वेंटी थाउजेंड तक एक ही पुष्प में प्लस माइनस हंड्रेड पॉइंट्स हो सकता है क्योंकि टू थाउजेंड ऑलरेडी स्टॉक है इसीलिए तो चलिए बात करते हैं अब इनके लेवल्स के बारे के अंदर भी कि कौन का को, स्टॉक को आपको कहां बाई करना है कहां सेल करना है ओके okay, एंड uh, हमारा पहला जो पेक रहेगा वो रहेगा बायोकॉन का बायोकॉन में आपने जो है बाय करना है 429 के ऊपर स्टॉप लॉस आपका रहेगा 425 का पहला टारगेट रहेगा 433 का सेकंड टारगेट रहेगा 437 का और अगर बाय ब्रेक करता है 422 को देन सेल इट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 426 पहला टारगेट रहेगा 418 का सेकंड टारगेट रहेगा 414 का अगला बात करते हैं बी के लेबल्स के बारे में बी को आज का जो क्लोजिंग है वो 370 का है हम उसको बाय करेंगे 373 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा 370 का पहला पहला टारगेट रहेगा 377 का सेकंड टारगेट रहेगा 380 का लेकिन अगर बी ब्रेक करता है 367 को तो आप उसको सेल कर सकते हैं पहला टारगेट रहेगा 370 का सेकंड टारगेट रहेगा 363 का और फ, जो है फर्स्ट टारगेट 363, सिक्सटी सेकेंड टारगेट 360 का स्टॉप लॉस 370 का रहेगा और ऑरगाइज हमारे जो है ऑनलाइन टेक्निकल एनालिसिस के बैचेज हैं हर रोज चलते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन बैचेज में अगर आप सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग को आप उसको एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम रखना चाहते हैं देन यू कैन ज्वाइन अस जिसमें आप चार्ट ट्रेडिंग स्टॉक सेलेक्शन रीडिंग न्यूज़ जैसे मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ कई दिनों से अगर आपको याद हो कि थोड़ा वेट कीजिए फिफ्टीन के बाद में मार्केट बिल्कुल क्लियर कर देगा कि क्या होने वाला है इसलिए मैं बार बार आपसे ये कह रहा था इसलिए तो वो चीज़ें आपके आ जाएंगी यहाँ पे जिसमें हम बात करते थे रीडिंग न्यूज़ इन्फो सपोर्ट रसिस्टेंस कैसे आपको ये पता है कि इसके इवेंट के बाद में मार्केट राइज कर सकता है फॉल कर सकता है सो तो ये इसको आप मार्केट सेंटिमेंट्स कह सकते हैं या रीडिंग न्यूज़ कह सकते हैं। तो अगर आप आप हमें हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हैं। हैं तो कॉल या WhatsApp करके और पर ज़्यादा ले सकते हैं। बात करते हैं के बारे में। ने आज जो दिया 379 का दिया है, तो हम उसको बाय करेंगे 382 के उपर, लेकिन अगर सन टीवी ब्रेक करता है थ्री सेवनटी सिक्स को तो हम उसको सेल करेंगे स्टॉप लॉस हमारा रहेगा थ्री सेवनटी नाइन का पहला टारगेट रहेगा थ्री सेवनटी टू का सेकेंड टारगेट रहेगा थ्री सिक्सटी नाइन का और गाइज आप अगर हमसे लाइव अपडेट चाहते हैं इन द मार्केट यू डोंट वॉन्ट टू पे आप जो टिप्स के लिए पे करते हैं या आप हमसे पूछते हैं कि टिप्स आप प्रोवाइड करते हैं हम टिप्स प्रोवाइड करते हैं लेकिन हम उसके लिए चार्ज नहीं करते हम उसको प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल आज अगर आपको देखने को मिले तो आज हमने आपको रिलायंस को तीन रुपए के स्टॉप लॉस पे वी हैव है एस बी आई ऑलमोस्ट सिक्स थाउजेंड रुपीज आपको एस बी आई में मिले हैं ये देखिए हमने एस को जो बाय किया था नाइन पॉइंट फाइव जीरो पे हमने बाय किया था पहला टारगेट था टेन पॉइंट फाइव जीरो और सेकंड जब हमने इसको एग्जिट किया था तो वो था इलेवन पॉइंट एट जीरो विच मीन मोर देन सिक्स थाउजेंड का आपको प्रॉफिट हुआ है विच इज ऑलमोस्ट ट्वेंटी परसेंट ऑन योर इन्वेस्टमेंट इन एस बी आई प्लस योर रिलायंस रिलायंस को देखिए हमने टॉप में उसको एग्जिट कर लिया था क्योंकि उसके बाद में स्टॉक में कोई मूवमेंट बचने वाला नहीं था और जो स्केप्टिकल्स हैं कि ये सोच के बैठे हैं कि रिलायंस की एजीएम के बाद बहुत ऊपर जाएगा वो उसमें लॉस करेंगे सो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कब और कब लेना चाहिए तो आप अगर हमसे लाइव सपोर्ट चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में जिसका नाम है वुडू ट्रेडिंग्स और आप मैनुअली हमें सर्च कर सकते हैं टू ज्वाइन अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है अगला हमारा पेक है एम का जिसमें हमारा करंट क्लोजिंग है नाइन का पहला टारगेट है नाइन एटी टू का और oh, सॉरी uh, आप उसको बाय करेंगे नाइन नाइनटी के ऊपर स्टॉप लॉस नाइन एटी टू का रहेगा पहला टारगेट रहेगा आपका टेन थाउजेंड का वन थाउजेंड का सेकेंड टारगेट रहेगा वन थाउजेंड टेन का और अगर एमजीएल ब्रेक करता है नाइन सेवनटी को तो आप उसको सेल करेंगे स्टॉप लॉस रहेगा 978 का पहला टारगेट रहेगा 960, सेकंड टारगेट रहेगा 950 का। और मैं बार-बार आपको कहता हूं कि अगर आप जॉब करते हैं या फिर आपको जो है पेशेंस नहीं है आपके पास में इंट्रा डे करने का बट यू स्टिल वॉन्ट टू अर्न मनी जैसे आज आपने देखा कि एस को आराम से टू तो, टू पे हम उसको पिक किया एंड वी मेड सिक्स थाउजेंड तो ऑप्शन को कैसे आपने कैप्चर करना है वो आप सीख सकते हैं थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग्स तो हमारे जो है वीकेंड बैचेज चलते हैं अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं to trade, uh, all the option strategies, Nifty और एंड यूट टू ट्रेड ऑल दस स्ट्रैटीज निफ्टी और बैंक निफ्टी तो आप हमें नंबर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं बात करते हैं निफ्टी के बारे में निफ्टी में लेवल्स में कोई चेंज नहीं आया है जो कल के लेवल्स एग्जैक्टली सेम लेवल्स हैं क्योंकि निफ्टी ने वैसे भी इलेवन रुपीज का मूव ही दिया है

और स्टॉप लॉस रहेगा 420 का फर्स्ट टारगेट ट्वेंटी का रहेगा और अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है 21, को तो आप उसको सेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस रहेगा थ्री का पहला टारगेट रहेगा ट्वेंटीड का सेकंड टारगेट रहेगा ट्वेंटी एट हंड्रेड का अगर वो उससे नीचे जाएगा तो सीधा हमारा टारगेट रहेगा ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड का जैसे आपने उसको बॉक्स में देखा भी होगा ओके okay? और guys, uh,